एप्लीकेशंस के अंदर पहला, इन अ विंटर मेटालिक हैंडल अपीयर्स कोल्डर देन द वुडन डोर। ये आपको आता है, मेटालिक हैंडल जो है वो ठंडे हो जाते हैं सर्दियों में और गर्मियों में गर्म हो जाते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ना, एटम हीट ट्रांसफर कर लेता है। आइस इज पैक्ड इन अ सॉ डस्ट, जो बर्फ बेचते हैं ना बाहर गर्मियों में, बोरियां रख रखी होती हैं उन्होंने, बोरियां सॉ डस्ट, तो बोरियों के अंदर आइस धूप में भी पड़ी होती है, 45-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर का, तब भी जल्दी पिघलती नहीं है, क्योंकि वो जो बोरी सॉ डस्ट है इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आइस को पिघलाने के लिए सन की क्या चाहिए, हीट चाहिए, हीट पहले बोरी में पड़ेगी, पूरा दिन लगाएगी बोरी में पेनिट्रेट करने में, थर्मल कंडक्टिविटी अंदर एटम 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 करते करते शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, इतने में बर्फ तो फिर वैसे की वैसे ही, तब तक तो बर्फ ही बिक जाएगी भाई, तो स्टोरेज के लिए काम आ सकती है, सॉ डस्ट है। नेक्स्ट है, एस्किमोस मेक डबल वॉल हाउसेज ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस। आप अगर फंस जाएं बहुत ठंड में, बर्फ ही बर्फ है, तो बर्फ का ही घर बना लें और वहां जाके बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि ठंड लगने का क्या रीजन है, बॉडी के अंदर हीट ज्यादा है, बाहर बहुत ठंडा है टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, तो मेरी बॉडी में से हीट रेडिएशंस निकलेंगी, इंफ्रारेड रेज निकलनी स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, कि मैं सोर्स ऑफ हॉट बॉडी हो जाऊंगा, तो क्या होगा, हॉट बॉडी में से ऑटोमेटिकली वेव निकलेंगी, रेडिएशन निकलेगी, तो हीट मेरी बॉडी लूज करेगी एनवायरमेंट में और मेरी बॉडी ठंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं बर्फ का बनाया हुआ घर ले लूंगा, उसमें क्या होगा, आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि हीट जाने के लिए पेनिट्रेट करना पड़ता है सॉलिड में से, सॉलिड आइस बनाओगी तो थिकनेस पेनिट्रेट कहाँ से करेगी, अंदर बैठ जाना आपकी हीट उस हट में ही रह जाएगी, तो आपको गर्मी वार्म फील होगा उसमें, तो इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, थर्मल कंडक्टिविटी इसमें चलती नहीं है। रेफ्रिजरेटर आर प्रोवाइडेड विद इंसुलेटेड वॉल्स, रेफ्रिजरेटर जो हमारे हैं दीवारें देखिए उसकी इतनी पक्की हैं ताकि अंदर बहुत ठंडा है, गेट में से हीट निकल ना पाए या गेट में से हीट पेनिट्रेट ना कर पाए फ्रिज में से, तो ऐसी इंसुलेशन कर दी जाती है बिकॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसके एप्लीकेशन है।